हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा छठवीं की हमारा अतीत फर्स्ट के नाम से जो किताब है उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने अभी तक 6 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, 6 चैप्टर। इसमें छठवां चैप्टर था आपका नए विचार, नए प्रश्न नए विचार। इसमें बात करने वाले हैं हम लोग अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का प्रयाग किया। ठीक, मैं हर बार आपको यही सलाह दूंगा कि आपके पास जिस तरह की सुविधा है, या अगर आप लेक्चर किसी के सुन रहे हैं तो उसमें आप लोग कक्षा 8वीं तक की एनसीईआरटी को एक दो बार सुने, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, या फिर एक दो बार पढ़ें, क्योंकि इसमें ना तो ज़्यादा टर्म्स ऐसे हैं कठिन हैं ना ही समझाने लायक हैं, बहुत ही सरल शब्दों में लिखी गई हैं। ठीक है, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। रोशन के रुपये, जन्मदिन पर रोशन को दादाजी ने कड़क नोट मिले दादाजी से, उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीढ़ी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था, बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा कि आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं, यह शेरों वाला स्तंभ। ठीक है, ये दिख रहा आपको, एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र और रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। इतिहास के महान राजाओं में से एक आपका अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि इस अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले यानी कि 2300 साल पहले की थी। इसकी स्थापना चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? चाणक्य की बुक से। ठीक है, वंश, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, कौन कौन से? पहला आपका चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक। ठीक है, साम्राज्य में बहुत से नगर थे, इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र और उज्जैन, तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहते थे। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है इसमें मानचित्र में। ठीक है, ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। ठीक है, साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके अपनी जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। मौर्य साम्राज्य, उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेख प्राप्त हैं। ठीक है, याद रखना उपमहाद्वीप में पहले अपना पाकिस्तान शामिल था, आपका नेपाल भी शामिल था, यहाँ नेपाल है, ये भूटान है आपका, ये भी शामिल था, बांग्लादेश, ये आपका म्यांमार है, ये भी शामिल था। ठीक है, और नीचे आपका श्रीलंका भी शामिल था। ये आपके जो लाल बिंदु में अभिलेखों के
प्राप्ति स्थल है, और जो काले बिंदु है ये महत्वपूर्ण नगर है। ये आपका अंडमान द्वीप समूह है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, ये आप लक्षद्वीप है। अब अभिलेखों के प्राप्ति स्थल देखते हैं। लाल बिंदु है ये है कंधार, लंपक, साहेबाजगढ़, गढ़ा, मनसेहरा, कलसी, टोपरा, मेरठ, बहापुर, गिरनार, पनगुरिया, सांची, रूपनाथ, गुज्जर, कौशाम्बी, इलावा, सारनाथ, लुम्बिनी, यमपुरबा, लोरिया, अर्ग अर्राज। ठीक है, फिर आपका धोली है, ये जोगड़ है, सोपारा है, सन्नाती है, मस्की है, एरागुड़ी है, ब्रह्मागिरी है। ये थे आपके लाल बिंदु में जो रखे हुए हैं अभिलेखों के प्राप्ति स्थल। बात करते हैं महत्वपूर्ण नगर। आपका उज्जैन है, यहाँ आपका पाटलिपुत्र भी है और तक्षशिला है। ठीक है, प्रमुख नगर है। आगे बात करते हैं राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है साम्राज्य से, क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठे करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन, चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र तो और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैनी जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल गवर्नर बना कर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठित किए जाते थे। नजराना क्या होता है? जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठित किए जाते थे, वह नजराना अनियमित रूप से जहां भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराना विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। राजधानी में सम्राट मेगस्थनी चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण किया है। यहाँ उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलता थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कहीं कोई उनकी
हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे, बल भी लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना के बारे में। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काट से बना है जिस पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने सभी बसेरों से घिरा है और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य अधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसे चीजें लाकर दें। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्रह्मी लिपि में हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का एक अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। इसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और सैमण भी मारे गए जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के बीच दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्होंने यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसा बढ़ाया जाए। ठीक है, धर्म आपका संस्कृत धर्म शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। प्राकृत अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि विश्व में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धर्म क्या है? अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखें। यह आपकी यह बिहार के रामपुरवा के में मिली एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है या उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचार को प्रसारित करने के लिए सीरिया में ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूध भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं
तब उनके बच्चों का विवाह होता है। बच्चों के जन्म पर जब जब यात्रा शुरू करते हैं तब भी तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदारी होगा। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा सेवणों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना। दोनों ही बात गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचार को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश उन हिस्सों को बताए जो आज भी प्रासंगिक हैं। ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं आप। ठीक है, ये आरंभिक ब्राह्मी है, देवनागरी हिंदी है, ये बंगला है, मलयालम, और ये है आपका तमिल। ठीक है, फिर आपका अन्य मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले लगभग 2400 पहले, 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा के पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा ईंट पत्थर और ईंट से बनी हुई है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बोझ बने हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से भिन्न था। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने बात की है, उपयोगी शब्द देखे हैं, कौन साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेशवाहक, प्रांत, धम्म। ये आपके क्वेश्चंस हैं, देख लेना अभ्यास के लिए। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल पहले से, ये भी आपके कुछ क्वेश्चन है, ये भी आपके क्वेश्चन है। ठीक है, ये है आपका मैप्स, क्या बताता है ये, जो इसमें ये लाल रंग है, ये मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में थे, और ये आपका मार्ग कुषाणों के नियंत्रण में थे। ये मार्ग महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग थे। ये आपके मार्ग ईरान फारस के शासकों के नियंत्रण में थे, और इन मार्गों पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। तो कौन से हैं ये, आपकी यूराल नदी है, वोल्गा नदी है, ये आपका डॉन नदी है, बाल्टिक के साथ व्यापारिक मार्ग है, यही आपका काला सागर है, काकेशस पर्वत है, कैस्पियन सागर है आपका, फारस की खाड़ी है यहाँ। ठीक है, यह है आपका एशिया में। ठीक है, यहाँ तक एशिया लगा हुआ है, ये आपका फिर अफ्रीका लग गया, ये आपका लाल सागर है यहाँ, ये एग्जम सागर, एग्जम का साम्राज्य है, मेयोस हारमोस है। ठीक है, ये भूमध्य सागर है, यहाँ सिकंदरिया है। ठीक है, फिर आपका यहाँ ऊपर यूरोप है। ठीक है, चीनी भारतीय ईरानी
अरबी, यूनानी, रोमन व्यापारियों ने इस आदान प्रदान में भाग लिया। दक्षिण भारत के पतन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात से दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। ये आपका भारत, वो महाद्वीप उस समय का, ठीक है। पाकिस्तान, ये सभी पता है, यहाँ से हिमालय पर्वत, यहाँ ये सब भारत का ही हिस्सा था, वो महाद्वीप, ठीक है। मुसलीपट्टनम भारत में, पुडुका, मुजीरम, बैरीगाजा, ये आपकी गंगा नदी ऊपर, सिंधु पाकिस्तान में, ये आपका इसी में था, ठीक है। ये अरब सागर है। आगे की बात, लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। इसके साथ स्थान पर, साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भारत भागों में करीब 100 साल तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक शासक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इसमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्ष तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों ने से पराजित नहीं मिली, पराजय नहीं मिली। शकों के बाद कुषाण आए, लगभग 200 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। अध्याय 9 में इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की, ठीक है। ये आपका हिंद यवन सिक्का है, ठीक है। ये आपका कुषाण सिक्का है। शुंगों के बाद कर्ण तथा कुछ और वंशों का शासन तक चला, जब लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। हमने देखा कि पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था, वहां पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 साल तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में हुआ काटक वंश का शासन स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेर, पांडवों से ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लव चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। ये याद रखना, शक सिक्का है, ये आपका सातवाहन सिक्का है। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे, इसके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरह जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, यूरोप, पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गईं, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था आपका 7वां चैप्टर। आगे हम लोग बात करेंगे खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में, ठीक है, 8वां चैप्टर।